नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पर, एक स्टॉक की। और दोस्तों, हम सब जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया उभरता हुआ थीम है और काफी रीरेटिंग इस थीम से जुड़े हुए कंपनियां स्टॉक्स के साथ हो रही है। और दोस्तों, हमने देखा अभी टाटा पावर, जो कि एक सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेते हुए उसमें एक रीरेटिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एक स्टॉक जो कि मुझे लगता है इतिहास रख सकता है, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में एक इतिहास रख सकता है, रचने की क्षमता रखता है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। कोई उस पर बात नहीं कर रहा है दोस्तों। स्टॉक का नाम है दोस्तों पावर ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। और दोस्तों, हमने देखा टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन को लेता हुआ एक रीरेटिंग कर चुका है। अब दोस्तों, एक बड़ा रीरेटिंग का कारण है पावर ग्रिड। दोस्तों, पहले थोड़ा सा आपको कंपैरिजन देता हूं पावर ग्रिड और टाटा पावर के बीच में। दोस्तों, दोनों कंपनीज को अगर आप देखो, टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों हाईली रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती हैं। दोस्तों, पावर ग्रिड का अगर हम देखें तो मेन बिजनेस जो है वो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन बिजनेस। और दोस्तों, ये बिजनेस बाय इट्स नेचर क्वासी मोनोपोली बिजनेस है। दोस्तों, क्वासी मोनोपोली क्या होता है, जहां पर फ्यू लार्ज सप्लायर्स होते हैं बट कंपटीशन जो होता है बहुत कम होता है। तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट इसका एक मोनोपोली बिजनेस है। जबकि टाटा पावर को हम देखें तो मेनली पावर जनरेशन के अंदर है। टाटा पावर जो है पावर जनरेशन के अंदर है, जो कि मोर कंपिटिटिव है, कंपटीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन बिजनेस। और टाटा पावर में देखें तो दोस्तों इसकी फैंसी आई है, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशन इसने सेट करने शुरू करे हैं। तो दोस्तों, आपको बताऊं, लास्ट वीक पावर ग्रिड ने भी अपना पहला एक फाउंडेशन स्टोन लेकर आया, एक पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए एक फाउंडेशन स्टोन लेकर आया मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर इसका एक ऑफिस है लाल पलंग के अंदर, शिलोंग में। वहां पर इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया है दोस्तों चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो ऑफिशियली पावर ग्रिड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में एक एंट्री ले चुका है। और दोस्तों, पावर ग्रिड है, इसको एक नेचुरल दोस्तों बाय डिफॉल्ट बाय नेचर इसको एक एडवांटेज है, क्योंकि इसके सब स्टेशन, जी हाँ दोस्तों, सब स्टेशन अक्रॉस हाईवेज, दोस्तों अक्रॉस ऑल हाईवेज इसके एक सब स्टेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में आ गया तो इसको बाय डिफॉल्ट बाय नेचर इसको एक वैल्यू एडेड एडवांटेज मिलेगा। दूसरा दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कोई भी दोस्तों सेटअप करे, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। और यहाँ पर भी पावर ट्रांसमिशन का रोल आएगा और यहाँ पर भी पावर ग्रिड को दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, पावर ग्रिड जो है निफ्टी का पार्ट है, निफ्टी का हिस्सा है आज की तारीख में, जबकि टाटा पावर नहीं है। फिर दोस्तों, काफी कम लोग जानते हैं पावर ग्रिड के पास एक ब्रांड है पावर टेल। जी हाँ, पावर टेल एक ब्रांड है जो कि पावर ग्रिड ओन करता है। और ये ऑल इंडिया ब्रॉडबैंड टेलीकॉम नेटवर्क 6700 किलोमीटर का इसके पास है। अब दोस्तों, आप में से कुछ बोलेंगे यार पीएसयू है, पीएसयू में एम्प्लॉयज होते हैं, यूनियंस होती है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट होती है। तो पावर ग्रिड ने एम्प्लॉयज की कॉस्ट को कंट्रोल कर रखा है और इसके एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो 11.35% से घट के 6.26% आए हैं पिछले 9 साल के अंदर। अब दोस्तों, आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा कंपेयर करके देता हूँ दोस्तों पावर ग्रिड और टाटा पावर का। अगर आप पावर ग्रिड के रेवेन्यू देखें, 2012 में रेवेन्यू थे 11,300 करोड़, जबकि 21 के अंदर रेवेन्यू आए 41,500 करोड़। तो ग्रोथ आई रेवेन्यू में पावर ग्रिड के 4 टाइम्स की। और टाटा पावर का देखें, 2012 में रेवेन्यू था 26,400 करोड़ का, 21 में रेवेन्यू आया 34,400 का। नेट इनकम देखें पावर ग्रिड की, 2012 में नेट इनकम आई 3,300 करोड़ की, 21 में इनकम आई, नेट इनकम आई 12,000 करोड़ की। अगेन ग्रोथ हाई रेवेन्यू के अंदर 4 टाइम्स की, जबकि टाटा पावर के रेवेन्यू थे फाइनेंशियल ईयर 2012 में 1,087 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू आए 1,127 करोड़। ग्रोथ आई मार्क 3.6% की, जबकि नेट इनकम के अंदर पावर ग्रिड की ग्रोथ है 4 टाइम्स की। दोस्तों, ईपीएस देखें, 2012 में ईपीएस थी 5.35 की, 21 में ईपीएस है 17.26 की, ऑलमोस्ट ईपीएस हुई 3 टाइम्स। जबकि टाटा पावर की ईपीएस देखें, 2012 में ईपीएस थी 4.42 की, तो और अभी 21 में ईपीएस देखें तो 3.82 की,
तो नेगेटिव है, 12 से कंपेयर करें, वेयर एज ईपीएस पावर ग्रिड की 3 times हुई है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें, पावर ग्रिड ट्रेड करता है 10 के पी पर, जबकि टाटा पावर ट्रेड करता है 40 के पी पर। एम्प्लॉय कॉस्ट देखें दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 12 में एम्प्लॉय कॉस्ट थी 11.35 की, 21 में एम्प्लॉय कॉस्ट है 6.28 की। टाटा पावर की एम्प्लॉय कॉस्ट है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.58 की। बीइंग अ पीएसयू पावर ग्रिड की एम्प्लॉय कॉस्ट टाटा पावर से कम है। डिविडेंड यील्ड देखें, पावर ग्रिड की डिविडेंड यील्ड है 5.3% जबकि टाटा पावर की डिविडेंड यील्ड है 1.1%। तो दोस्तों बेहतरीन स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में आ चुका है, बाय डिफॉल्ट इसको एक एडवांटेज मिलेगा। तो दोस्तों मुझसे अगर आप पूछें तो पावर ग्रिड वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्लू चिप टेक्नोलॉजी कंपनी है पावर सेक्टर की, स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी है, चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों मुझे बेहतरीन लगता है इसमें लंबी अवधि के लिए टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में निवेश किया जा सकता है, सिप के थ्रू निवेश किया जा सकता है, एक रीरेटिंग का कैंडिडेट है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टॉक पिक? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।